नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। पन्ना में वन विभाग हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है, कभी वन्य जीवों के शिकार को लेकर तो कभी वनों की अवैध कटाई को लेकर। लेकिन अब वन विभाग के द्वारा अन्नदाता किसानों को खेती न करने देने का मामला सामने आया है। मामला पन्ना जिला मुख्यालय से महज 7 से 8 किलोमीटर दूर बसे आदिवासी बाहुल्य गांव जलवार का है, जहां के अन्नदाता किसानों ने वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा खेती करने से रोकने के संबंध में कलेक्टर पन्ना कर्मवीर शर्मा को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि ग्राम जनवार में खसरा नंबर 51 में लगभग 65 काश्तकारों की भूमिका भूस्वामित्व पर दर्ज है, जिस पर सभी काश्तकार काबिज हैं। ये भूमि राजस्व अभिलेख के अनुसार अलग अलग बटांकन में कृषकों के नाम दर्ज हैं। उक्त भूमि पर कृषि कार्य किए जाने पर वन विभाग के कर्मचारी अवरोध पैदा कर रहे हैं, वे खेती नहीं करने दे रहे हैं और उनके पास कृषि के अलावा कोई अन्य आय के साधन नहीं है। वहीं पूरे मामले पर कलेक्टर पन्ना के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई है। खेती बाड़ी करते हैं अपने गांव में, क्या परेशानी आ रही है आपको? वन विभाग वाले परेशान कर रहे हैं। कम से कम 70 साल जमीन जुटत हो गए, जुटत नहीं जा रहे, धमकी दे रहे, मारपीट की माली पिछली दुनिया में दरबार कर रहे हैं, इसे हम खेती कर नहीं पा रहे। खेती करने नहीं देती है। कौन परेशान करता है? जंगल विभाग। क्या बोलती है आप? खेती न कर देंगे, ट्रैक्टर पकड़ ली थी। हाँ। फिर आज क्या किया आप लोग? आज हम लोग कहीं भी चलो सब डर के कलेक्टर साहब से शिकायत कर। कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो सीमा है उनको लेके कुछ इश्यूज के कारण ये निर्मित हुई होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग करने के कारण। अभी हमने इस संदर्भ में DFO से भी बात की है और जो लोकल SDM है उनको भी कहा है कि दोनों संयुक्त रूप से वहां पर फील्ड विजिट करवा के दोनों विभाग जो हैं वो वस्तु स्थिति से अवगत हों और उसी के हिसाब से जनता को जो वहां के उनके राइट्स हैं उस राइट्स के तहत कार्रवाई की जाए। सर,